रवैया, किसानों की मांग और सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी, जी हाँ, इन तीनों के बीच में फंस के रह गया हमारा फार्मर्स प्रोटेस्ट। लगभग 1.5 महीने से चल रहा है। इतनी कंपकपाती हुई ठंड में किसान भाई देश भर से दिल्ली की सड़कों पर धरना देकर बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का इस पर कोई असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और अब सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी के बाद भी यह आंदोलन बिल्कुल भी ठंडा पड़ता हुआ हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। और ये भी हम सब जानते हैं कि आम जनता, आम नागरिक किसान के साथ जुड़ता चला जा रहा है। आज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मैं पहुंची हूँ लुधियाना के लुधियाना मेडिवेज हॉस्पिटल में। जी हाँ, बहुत ही रेप्यूटेड हॉस्पिटल है ये लुधियाना का, और जहाँ पर आज हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं, इनकी टीम हमारे साथ है, जिन्होंने आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जो कानून, काले कानून पास किए गए थे केंद्र सरकार की तरफ से, उनकी कॉपीज को जलाया है। और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम आपको मिलवाना चाहेंगे यहाँ के डायरेक्टर से और कुछ डॉक्टर्स की टीम से, जो किसानों का समर्थन करते हुए हमें नजर आ रहे हैं और फुल सपोर्ट के साथ उनके साथ वो खड़े हैं। तो चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। हेलो मैम, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 मंथ हो चुका है और अभी भी कोई रिजल्ट हमें नहीं नजर आ रहा। हम लोग यही चाहते हैं कि ये कानून जल्दी से जल्दी वापस लिए जाए। इतनी ठंड में वो लोग वहाँ पे बाहर बैठे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। एटलीस्ट कोई तो गवर्नमेंट का पर्सन आगे आए इन चीज़ों को वापस लेके ले जाने के लिए। हम लोग उनकी सपोर्ट में हैं। हम यही चाहते हैं कि सरकार बहुत जल्दी इन चीज़ों को सुने और सॉर्ट आउट करे हम सब चीज़ों के लिए। मैम, ठीक बात कही आपने। तो चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं यहाँ के डायरेक्टर से। हाँ जी सर, टाइम्स पंजाब टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे हमने देखा कि ऑलरेडी 8 बार बातचीत हो चुकी है केंद्र सरकार और किसानों के बीच में, और फिर से कल 9वीं दौर की बातचीत होने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई रिजल्ट हमें निकलेगा, सामने आएगा कोई रिजल्ट इस चीज़ का? मैं तो कोई अजय रिजल्ट नज़र नहीं आता, क्योंकि मोदी साहब न बहुत ही जड़े भारतवासी है, इंडियन के जो लोग आ, पंजाब के लोग आ, उन्होंने इनू पहले ही प्राइम मिनिस्टर बनाया और सारे वर्ल्ड के इन्हों की बल्ले बल्ले हुई, जिथे भी जाते सी इन्हों की बहुत रिस्पैक्ट हुई। पर हूँ इन्ना को इन्हों हंकार आ गया, एक ईगो लैके बैठे आना, आले दुआले 3-4 बंदे है जेडे कि मतलब इन्हों अगे चलन नहीं देंगे। जे उन्हों मन भी करता तो भी वह जोड़े बंदे है आपके घेरे चो बाहर निकलन देंगे। असी जो छोटे होंगे सी, चौथी पंजवीं पढ़ते सी, तो उदों एक किताब हुंदा सी, एक बंदे ने बहुत बहुत ज़्यादा सेवा की लोगों की, पाठ बहुत किया, उन्हें परमात्मा ने कहा भी बोल तू की चाहुंदा वे, तो वह कहिंदा जी मैनूं कुछ नहीं चाहिए। पर उन्दे आले दुआले जिहड़े बंदे सी, उह कहिंदे तू कह भी जिहड़ी चीज़ नूं हाथ लावां सोहना बन जाए। उही हुण पोजिशन होई हुई आ। मोदी साहब शायद कुछ चाहुंदे सी जां नहीं चाहुंदे सी, पर जिहड़े नाल इहनां दे सज्जे खब्बे बंदे अडानी अंबानी होर है, वो ये कहें भी तुम रब को ये मंग लो, वो जी सारी धरती हैगी आ जी कि अनाज पैदा करती है, जेडे कि किसान अन्नदाते है, ये उन्होंने को जमीन खोनी चाहते आ। पर इन्होंने ये पता नहीं जो जमीन है चली गई तो ये कितों खाने। आज तो 4-5 साल बाद वो हाल हो जाएगा, जो कि मतलब जड़ी चीज़ में भी ये हाथ लोगे मिलेगी नहीं खाने लिना। हमेशा तो प्राइम मिनिस्टर रहना नहीं है, परमात्मा ने इन्हें बहुत ज़्यादा कृपा की हुई है। इन्हों आपकी सोच तो काम लेना चाहिए है, तो किसानों की जी कोई खास डिमांड भी नहीं हैगी, क्योंकि आप ये एग्री करते हैं भी जो भी कानून बने आ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट है, गलतियां रह गई साढ़े को, तो फिर वापस ले लैन। इन्नी ठंड बच्चों दिया दुआवा जड़िया इन्हों मिलनिया से मिस दुआव मिल रही ने, जोड़े बजुर्ग बेचारे किसान मर रहे हैं, उन्होंने घर बर्बाद हो रहे, जोड़े बहर बैठे आ, उन्होंने ही मेरा ख्याल घट्टो घट 50% जोड़े है बीमार हो गए। तो इसलिए असी तो यही रिक्वेस्ट करांगे, साडे हस्पताल विच जिन्ने भी डॉक्टर हैगे आ उही कहिंदे आ भी मरीजां दी गिनती वध ना जाए, वो इलाज भी नहीं करा सकते, तो इन्हें कानून वापस ले लेने चाहिए। सर, एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फरमान जारी कर दिया है, वो भी बीच में आ गए हैं, बट वो किसानों का समर्थन करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कोई कमेटी का गठन किया है, वो कहते हैं कि किसान डायरेक्टली जाके उनसे बात कर सकते हैं, तो आपको लगता है कि इस चीज़ से भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि उन्होंने भी 8 हफ्ते का टाइम दिया है कि 8 हफ्ते तक जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो उनसे जाके बात कर सकते हैं? कमेटी के भी जेडे उन्होंने 4 मैंबर ले आ, मैंने पता लगा भी 1 मैंबर तो उन्होंने चू इस्तीफा दे गया, भी बाकी भी 3 जोड़े है वो चले जाएंगे, कि उन्होंने पता भी किसान जो है बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कोई बेचारे को रिजल्ट नहीं कटे जाना। ये तो मोदी जी ने आप ही यह जे 4 बंदे इन्होंने आले दुआले है उन्होंने घेरे चो निकल के ऐलान कर देना चाहिए।
आपने बिल्कुल ठीक बात की। चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं यहाँ के कुछ डॉक्टर से, हर्ट स्पेशलिस्ट हैं। जी हाँ, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है, आज हम उन्हीं से पूछते हैं कि इतनी विंटर्स में जो हमारे किसान भाई प्रोटेस्ट में बैठे हैं वो किस कंडीशंस को फेस कर रहे होंगे इस टाइम। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। सर आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपको क्या लगता है कि ऑलमोस्ट 50 डेज हो गए हैं वो फार्मर्स प्रोटेस्ट अभी तक चल रहा है और इतने फार्मर्स के बीच में डेथ भी हो चुकी है, बहुत सर्वाइव कर रहे हैं क्रिटिकल कंडीशन से, और बींग एज अ डॉक्टर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, मैं कहता हूँ कि किसान जो है वो सबसे बड़ा भगवान वही है। अगर किसान नहीं होगा तो कोई डॉक्टर नहीं होगा, कोई नर्स नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब किसान है तभी सारे हैं और उसके बिना कुछ नहीं है। तो मैं सरकार को आपके ज़रिए यही कहना चाहूँगा कि किसानों को इस वक्त सबसे आगे रखकर उनकी जो भी मांगे हैं उनको पूरी की जाएँ। जो इतनी जाने जा चुकी हैं, मैं कहूँगा शहादत हो चुकी है, और ना होने दी जाए और इनको जल्दी से जल्दी अपने घर भेजा जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, पूरा पंजाब और बर्दाश्त नहीं करेगा। सब में बहुत ज़्यादा खलबली है, सब में बहुत ज़्यादा रोष है, और जल्दी से जल्दी इसका हल करना चाहिए। आज जैसे हमने देखा कि मकर संक्रांति का बहुत अच्छा सा दिन है, शुभ दिन है, और आपकी सारी टीम अब आगे आई है फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, तो आप किस तरीके से उनके सपोर्ट के लिए आगे करेंगे, किस तरीके से आप उनके लिए हेल्पफुल प्रूव होंगे आने वाले टाइम पे? देखिए, हम कैंप लगा रहे हैं, हम दिल्ली में जाके सिंघू बॉर्डर पर फ्री मेडिसिन और फ्री डॉक्टर सेवाएँ प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हमने हॉस्पिटल में भी कुछ इस तरह के प्रावधान रखे हैं कि जो किसान इसमें प्रभावित हुए हैं, जिनको हार्ट की तकलीफ हुई है, उनको भी हम कम रेट्स पे जितना भी डिस्काउंट हो सकता है उस पे इलाज करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी इनका हल निकल सके और हम जो भी मदद कर सकते हैं हम इनकी करें। बहुत अच्छी बात कही हमने, और अब हम आपको मिलवाना चाहेंगे स्पेशलिस्ट यहाँ के हर्ट सर्जन से। हेलो सर, सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, बहुत अच्छा स्टेप आपकी तरफ से, आपकी टीम मेंबर्स की तरफ से उठाया जा रहा है फार्मर्स को लेके, और जैसे कि हम देख रहे हैं इतनी विंटर्स है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रक्तदान शिविर कैंप भी लगाए जा रहे हैं, काफ़ी लोग, हर आम नागरिक उनकी सपोर्ट के लिए उतर के आया है, अब आपकी टीम भी आगे आ चुकी है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि ठंड इतनी ज़्यादा है, आई एम शिवरिंग। तो ये वो किसान लोग और वो बच्चे और ओल्ड मैन जिनका टेम्परेचर एकदम डाउन जा सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, मल्टीपल कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चेस्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आई डोंट नो हाउ डू दे आर डूइंग, दे आर रियली सफरिंग, इट्स अ ह्यूमैनिटी सफरिंग, यू नो। आपको लगता है कि बिल्कुल मोदी सरकार की तानाशाही कहीं ना कहीं लगातार जारी है, कि कोई रिजल्ट अभी तक नहीं निकल रहा, 50 डेज हो चुके हैं, और किसान कुछ भी, उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि ये जो काले कानून है इनको वापस ले लिया जाए, और आपकी तरफ से इनकी कॉपीज को जलाया भी गया है, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें, क्या हमारे इंडिया में क्या किसी को आवाज़ उठाने की भी हक नहीं है, कोई आवाज़ उठाने आगे आता है तो उसकी आवाज़ को भी प्रेशराइज करके दबा दिया जाता है? देखिए, पहले तो मैं काफ़ी अप्रिशिएट करता था मोदी साहब की पॉलिसी को, पर ये जो एरोगेंस है इट इज़ इनटॉलरेबल। इसके लिए जो किसानों के साथ जो हो रहा है उनको दिख रहा है और उनको पता लग रहा होगा ज़रूर, इतना कुछ हो रहा है, कैसे औरंगजेब एटीट्यूड रख सकते हैं हम, जब इतना बुरा इंसानियत के साथ हो रहा है कि एक इंसान की वैल्यू नहीं है, क्या हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है? एक मतलब 20 लोग चले गए कोई बात नहीं, 50 लोग चले गए कोई बात नहीं, ये हंड्रेड्स और हंड्रेड्स क्रॉस हो जाएंगे, तो अपने अंदर से एक आवाज़ उठती है, दर्द होता है, वो दर्द उनमें भी होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? आपने बताया, हम अभी भी नोटिस कर रहे हैं कि यू आर शिवरिंग, तो हम देख रहे हैं कि इतनी ठंड में अगर आप प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो उनकी क्या कंडीशन, कितनी क्रिटिकल कंडीशंस को इस टाइम फेस कर रहे हैं, तो जैसे सर ने बताया कि आने वाले टाइम पे आप वहाँ पे कैंप्स लगाएंगे, वैसे तो हम होपफुली यही प्रे करते हैं कि कल कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट ही सामने आए, अदरवाइज आपकी तरफ से क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे? देखिए, हम तो एज ए डॉक्टर्स मेडिकली हेल्प कर सकते हैं उनको, और उनको मेंटली सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ मेंटल डिप्रेशन ऑल्सो इन द कैंप्स, नो पीपल आर इवन शूटिंग, समबडी इज डूइंग सुसाइड, सो वी ऑल नाउ नीड टू कम आउट, यू नो, इंटेलेक्चुअल क्लास नीड टू कम आउट एंड सपोर्ट देम, नाउ वी शुड गो बियॉन्ड पार्टी लाइन्स एंड एवरीथिंग एंड वी शुड बी विद देम होल हार्टेडली एंड एब्सोल्युटली। बहुत मोटिवेशनल लाइंस आपकी तरफ से। तो सर आप इस बारे में, जैसे अब हमने देखा कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड वो लोग निकालने लगे हैं, क्योंकि हमारे किसान वैसे भी ऑलमोस्ट जब हम देखते हैं लोहड़ी या मकर संक्रांति कोई भी फेस्टिवल आता है तो अपने ट्रैक्टर्स को बहुत डेकोरेट करते हैं, तो इस बार फिर से वो बिल्कुल मतलब तैयार है ट्रैक्टर परेड निकालने के लिए, मॉडिफाई कर रहे हैं अपने ट्रैक्टर्स को, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैम, पहले तो असं गल चाहते हैं कि यह ट्रैक्टर मॉडिफाई करने की जरूरत ही ना पड़े, कल 15 तरीक की मीटिंग है, तो मीटिंग के कोई रिजल्ट निकल जाए
तो जो साडे किसान भरा उत्थे बैठे आ ਉਹ ਕੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪੜੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੀਸਫੁੱਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਡੈਥ ਨਾ ਹੋਣ आपने देखा ये थे हमारे साथ मेडिविज हॉस्पिटल लुधियाना की टीम, डॉक्टर्स की टीम, यहाँ के डायरेक्टर, जिन्होंने हमसे शेयर की कि किस तरीके से वहाँ पे जितने हमारे फार्मर्स हैं कितनी क्रिटिकल कंडीशंस को फेस कर रहे हैं, लेकिन उनकी टीम पूरे तरीके से तैयार है। बट उन्होंने यह भी कहा कि अगर कल कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलता केंद्र सरकार की तरफ से तो उनकी टीम पूरी रेडी है, वो दिल्ली तक जाएंगे, कैंप्स लगाएंगे वहाँ पे ताकि किसी भी फार्मर को, किसी भी किसान को कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि उन्होंने यह कहा कि वो इमोशनली मेंटली पूरे तरीके से उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़े हैं। और उन्होंने यह भी रिक्वेस्ट की मोदी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ जल्द से जल्द एक काले कानून वापस ले लिए जाए, क्योंकि इतनी ठंड में, इतनी विंटर्स में जिस तरीके से हम अपने घरों में हीटर्स चला के बैठते हैं तो उसी तरीके से सारे किसान भाई अपने अपने घरों को जल्द से जल्द वापस लौट सकें। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।